पहली खबर जो कि इस समय ट्रेंडिंग है वो है जोमेटो पेटीएम पर, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि खबर ये है कि पेटीएम का जो मूवी टिकट कारोबार जोमेटो खरीदेगी। और पेटीएम के अगर इस बिजनेस में देखें तो इसके अलग से उन्होंने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स नहीं बता रखे हैं, लेकिन उनका जो मार्केटिंग सर्विस कारोबार है उसकी टोटल आय करीब 1740 करोड़ रुपये है। उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट से के जो ड्राइवर हैं वो है मूवी टिकट वाला बिजनेस, साथ ही गिफ्ट वाउचर वाला सेगमेंट। अब अगर ये डील हो जाती है तो पेटीएम अपने ट्रेवल्स डील कैशबैक सेगमेंट पर फोकस करेगी। मैं देख रहा था कि सर पेटीएम के टोटल रेवेन्यूज करीब 10,000 करोड़ रुपए के हैं वैसे, और अगर जोमेटो के देखें तो 12,000 करोड़ रुपए के हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखें तो ये डील 10,000 करोड़ रुपए में से एक सेगमेंट पेटीएम का अलग हो जाएगा, जो कि करीब करीब वो सेगमेंट 1740 करोड़ रुपए ओवरऑल देता है, उस सेगमेंट का भी कुछ बड़ा पार्ट जोमेटो को चला जाएगा। सर कैसे देख रहे हैं दोनों ही काउंटर्स को चार्ट पर? देखिए विवेक जी, अगर आप पेटीएम को देखें कहीं ना कहीं तो एक सप्लाई जोन बना हुआ है 470 के जोन में, अभी 425 के जोन में ये चल रहा है। मैं जैसा देख पा रहा हूँ करीब करीब आप देखें तो फरवरी के बाद, फरवरी मार्च अप्रैल में पिछले चार एक महीने से 470 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये सप्लाई जोन बना हुआ है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक छोटा सा मूव आएगा, टेक्टिकल मूव आएगा, वो इसको 572 के जोन तक खींच करके लेकर के जाएगा। तो अगर कोई पोजीशन लेना चाहे तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है, क्योंकि ये इस पूरे जो कंसोलिडेशन है फरवरी से चल रहा है उसका बेस करीब 310 के आसपास है, तो वही इसका स्टॉप लॉस हो जाता है। और मुझे लगता है कि 572 के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। हाँ, कोई रिस्क ज्यादा ले सकता है तो 380 का भी स्टॉप लॉस लगा सकता है, जो पिछले वीक का लो है। 380 का स्टॉप लॉस रखे, 572 के टारगेट के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। आप जोमेटो को देखें तो बेस काफी नीचे है, करीब 146 के आसपास का बेस है, लेकिन यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता है जो पिछले वीक का लो है 180 के आसपास, उसी को पकड़े सर। मुझे लगता है कि उसका हाई है करीब 206 का, वहां तक ये जाने की पूरी तैयारी कर रहा है, अपना 10-year सीक्वेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सस्टेन किया है वीक में, 206 तक बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहा है। अगर जोमेटो और पेटीएम में आप कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं जोमेटो को मैं एक नॉच ऊपर कंसीडर करूंगा यहाँ पर। बिल्कुल, वैसे भी सर पेटीएम जिस अवस्था में अपने बिजनेस को बेच रही है वो अवस्था बहुत पॉजिटिव नहीं मानी जा रही मार्केट की तरफ से, क्योंकि एक कह रहे हैं कि लोग एम्प्लॉयज़ भी निकाल रहे हैं, बिजनेस भी बेच रहे हैं, तो ये कभी पॉजिटिवली नहीं लिया जाता। लेकिन जोमेटो जो कि एक अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, कंपनी में लगातार ग्रोथ आ रही है और वो नए बिजनेस को एक्वायर कर रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटिमेंट तो ज़रूर पॉजिटिव दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। हुंडई इंडिया अपना IPO लेकर आ रहा है, DRHP उन्होंने दाखिल कर दिया है, भारत का सबसे बड़ा IPO होने वाला है ये। अगर देखें तो मारुति के IPO के बाद जो फोर व्हीलर स्पेस है वहाँ पर एक बड़ा IPO ये अब आने वाला है, करीब 20 साल बाद ये IPO होगा जो इंडियन ऑटो इंडस्ट्री से एक इतना बड़ा IPO होगा। अगर हम देखें तो 14.2 करोड़ शेयर का ये OFS बेसिकली है, इसमें हुंडई कोरिया की जो कंपनी है वो अपने 14.2 करोड़ शेयर बेचेगी भारत की आम पब्लिक को, एंकर इन्वेस्टर्स को, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को। अगर हम देखें तो हुंडई की जो मार्केट कैप मानी जा रही है इंडिया में वो एस्टिमेटेड आ रहे हैं, एस्टिमेशन आ रहे हैं कि करीब 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ के बीच में बैठ सकती है। अगर हुंडई कोरिया की टोटल मार्केट कैप देखें तो करीब 4 लाख करोड़ है, 3.9 लाख करोड़ इस समय चल रही है। शरद सर, अगर मैं बात करूं हुंडई के IPO की तो इसका कुछ रब ऑफ इम्पैक्ट मारुति या जो अन्य OEMs हैं इन पर पड़ता हुआ दिख सकता है? देखिए विवेक जी, अगर आप पर्सनल व्हीकल इंडस्ट्री को देखें एज सच तो करीब 40 लाख से ज्यादा का सेल क्लॉक हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, जो इंडस्ट्री डेटा है, जो थर्ड लार्जेस्ट पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में इंडिया को बनाता है ग्लोबली। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा मारुति ने यहाँ पर काफी अच्छा 8.5% का YOY ग्रोथ दिया है SUV सेगमेंट में। और अगर आप देखें तो हैचबैक सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक हमें फॉल देखने को मिला है, करीब 27% के लगभग जो है 40% से हमको एक बार फॉल देखने को मिला है। तो देखिए ओवरऑल मार्केट आप देखें तो पर्सनल व्हीकल का काफी इम्प्रूव हुआ है, और मुझे लगता है कि ये रब ऑफ इफेक्ट बिल्कुल मारुति में भी रहेगा और इंडस्ट्री को इसका काफी पुश देखने को मिलेगा।
तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है मारुति के अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो 13,000 के आसपास का इसमें एक सप्लाई जोन है, लेकिन स्टॉक गिर नहीं रहा है। अगर आप देखें कंटिन्यूअसली करीब मार्च के बाद से इसने एक बेस बनाया है 12,400 के आसपास का, और ऊपर की तरफ 13,000 के आसपास इसमें एक सप्लाई जोन बना हुआ है। विवेक जी मुझे लगता है इसको टूटना चाहिए, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन ये टूटेगा। जब कभी ये जोन टूटता है तो ऊपर की तरफ आप 14,000 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं कम से कम। अभी 12,845 का स्पॉट का लेवल है मारुति में, तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। और यहां पर मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बाय का लेवल अभी या तो अवॉइड करें, तो एक लेवल रखें 12,400 का। वहां अगर आपको कहीं मिलता है 12,080 12,400 के आसपास, वहां इसको खरीदें। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप आपको मिल जाएगा 11,800 के आसपास, तो आप स्टॉप आउट नहीं लेंगे, पोजिशन आपकी बनी रहेगी क्योंकि ट्रैक्शन और बड़े चार्ट पर इसके अंदर बना हुआ है। 14,000 का टारगेट आपको 1 से 2 क्वार्टर में देखने को मिल सकता है, तो डिप्स पर बाय करें, स्टॉप लॉस 11,800 के आसपास रखें और 14,000 टारगेट के लिए 1 से 2 क्वार्टर के लिए होल्ड करें। बिल्कुल, जिस तरह के मार्केट के एस्टिमेशन आ रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि जो हुंडई का आईपीओ है वो हो सकता है 1500 से लेकर 2000 की रेंज हो सकती है। और अगर हुंडई का मार्केट शेयर देखें इंडिया में तो करीब 15% है, वहीं मारुति का मार्केट शेयर अराउंड 40% है। तो मारुति लगभग डबल से ज़्यादा मार्केट शेयर कमांड करती है और वही मार्केट कैप के साथ भी होने वाला है। 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप मारुति की है और हुंडई की मानी जा रही है एस्टिमेटेड मार्केट कैप जो इंडिया में होगी आफ्टर लिस्टिंग वो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़। तो जितना बड़ा प्लेयर उतनी बड़ी मार्केट कैप मार्केट शायद असाइन करेगा, इस तरह की एस्टिमेशन अब आने लगे हैं। सर, तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी खबर है अदानी इंटरप्राइजेस पर, जहां पर कि गौतम अदानी लगातार कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले भी लास्ट ईयर भी कुछ स्टेक लिया था कंपनी में 0.7% के आसपास, लेकिन इस क्वार्टर में स्पेशली अप्रैल जून, अभी ये क्वार्टर ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन इसमें दो रेंज आई हैं डेट की, 10 से 14 मई के बीच में उन्होंने हिस्सा खरीदा 0.42%, और साथ ही 21 मई से लेकर 11 जून के बीच में उन्होंने हिस्सा खरीदा 0.92%, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उन्होंने करीब 1.34% हिस्सा खरीद लिया अपनी ही कंपनी में। तो ये हिस्सा बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। सर, कैसे देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेज ऑन द चार्ट? विवेक जी, एक सप्लाई जोन है 3,350 के आसपास स्टॉक के अंदर, और 2 वीक अगर आप देखें तो 4 जून का वीक और उससे पहले वाले 2 वीक में स्टॉक लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करेगी क्योंकि बेस बना हुआ है करीब 2,600 रुपए से लेकर 2,750 रुपए के आसपास, एक अच्छा बुलिश बेस बना हुआ है। तो अगर कोई बहुत एग्रेसिव है खरीदना चाहे तो थोड़ा गिरावट पर खरीदे, करीब 2,740 2,880 के आसपास के जोन में खरीदे और 2,600 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करे। इसके बाद ऊपर की तरफ एक बार मूव देखे क्योंकि मुझे लगता है 3,350 का जोन टूटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस जोन में 3,350 3,400 के जोन में कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स भी बड़े लेवल पर प्लेस्ड हैं, उनकी पोजीशन कटना जरूरी है। तो कूद कर एकदम से नहीं खरीदना है, मैच ऑन नहीं करना है इसके ऊपर, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए सर। या तो 3,350 के ऊपर सस्टेन करिए तो खरीदिए, या गिरावट पे खरीदिए। गिरावट पे खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी तरह का निफ्टी में करेक्शन आता है, स्टॉक में करेक्शन आता है तो 2,740 से 2,880 के भाव पर 2 लेवल पर जरूर खरीदे सर। 2,600 पर स्टॉप लॉस रखें, आप स्टॉप आउट नहीं होंगे, भरोसा रखिए। आपको जैसे ही 3,350 के ऊपर चलेगा, इस 4,000 का प्रीवियस भाव आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। 3,350 के ऊपर चलेगा तो 4,000 जाएगा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं देख रहा था, इन्होंने 10 मई से 14 मई के बीच में जब खरीदे थे उस समय भी ये काउंटर रीसेंट जो प्राइस चल रहा था उसके लो पर चल रहा था। उस समय का लो था 10 मई को ही लो लगा था 2,760 रुपये का, और 14 मई तक ये शेयर करीब करीब 3,000 रुपये टच कर गया था। यानी कि गौतम अदानी जी ने उस समय पर स्टेक खरीदा जब ये 2,700-2,800 की रेंज में आता है और उन्होंने 3,000 तक ये स्टेक खरीदा। फिर जो दूसरी डेट आई है 21 मई से लेके 10 जून तक की, उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 21 मई से लेके अगर हम देखें तो ये काउंटर 3 जून तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं दिख रही थी, लेकिन 4 जून को जब मार्केट में एक वाइड सेल ऑफ देखने के लिए मिला था बिकॉज ऑफ द इलेक्शन आउटकम, उस दिन ये काउंटर फिर 2,700 की रेंज पर आया। शरद सर, लगता है कि 2,700 की रेंज के नीचे गौतम अदानी शायद इस काउंटर को देखना नहीं चाहते, इसीलिए वो जैसे ही इस रेंज पर आता है वहां पर एक अच्छी सस्टेन्ड बाइंग आती है और इसको 3,000 के पार कर देती है। वही जी, मैंने आपको बोला
देखिए इसका बेस अगर आप देखें 4 जून का लो था करीब 2600 के आसपास, और वही इसका जोन है अगर आप देखेंगे तो वहां पर इसका 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी इसी जोन पे प्लेस्ड है, वो नहीं टूट रहा है कंसिस्टेंटली। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेटेजी ये दी कि 2740 से 2880 में आपको मिले बिल्कुल खरीदें सर, 2600 के बाद स्टॉप लॉस रखें क्योंकि उसका लो नहीं टूट रहा है, 2600 लो नहीं टूट रहा है इसके अंदर। बड़ा मूव 3350 के ऊपर ही आएगा, आपको 4000 कम से कम लेकर के जाएगा। तो उसके बाद जैसे 3350 के ऊपर है तो सर पकड़ कर खड़े हो जाए, हो सकता है 4000 इसको ऊपर भी चलना शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे आपने बोला अगर प्रमोटर बाइंग होती तो छोटे मोटे मूव के लिए नहीं होती है, फिर स्टॉक में बड़ा मूव पॉसिबल है। और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी देखें वीकली चार्ट्स पर, तो एक बड़ा मूव बिल्कुल पॉसिबल है सर अगर 4000 के ऊपर चलना शुरू करता है। तो 2740 2880 के जोन में खरीदे, 2600 का स्टॉप लॉस रखें, 3350 के ऊपर चलना शुरू होगा तो बुलिश मूव आएगा, 4000 का पहला टारगेट है। और अगर उस जोन पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाए तो सर बेचे नहीं, खड़े रहे, मुझे लगता है ऊपर के टारगेट भी पॉसिबल है।